हेलो गाइस, दिस इज नूरुल देशमुख। स्वागत है आपका मेरा ब्रांड न्यू एक यूट्यूब चैनल पबजी द मोबाइल गेम प्ले की वीडियो में। और इस वीडियो में हम हॉट ड्रॉप की जगह पे आ रहे हैं मिलिट्री बेस। यहाँ पे तो एक्चुअली मेरे स्क्वाड का रैंक पुश चल रहा है, तब भी हम ज़बरदस्ती हॉट ड्रॉप कर रहे हैं। वैसे मेरा रैंक पुश रियो में चल रहा है, बट मैं इनका साथ देने के लिए स्क्वाड खेल रहा हूँ। सो यहाँ पे आती है दो स्क्वाड, दो स्क्वाड यानी कि 8 किल तो पक्के, बट अगर मारे तो ही पक्के। और मारने के लिए चाहिए डेफिनेटली एक अच्छी लूट। यहाँ पे लूटते लूटते मेरे दोस्त ने कॉल दिया कि हमको रश करना चाहिए ऑफिस में, क्योंकि वो लोग नंगे घूम रहे थे। तो यहाँ पे लूटते लूटते पता नहीं मेरा नसीब इतना क्या अच्छा है कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य कमाए कि मेरे को यह कमरे में मिल जाती है M416। तो मेरे को तो यहाँ लूट मिल जाती है, तो भाड़ में जाए मेरे स्क्वाड, उनको क्या लूट मिले। तो यहाँ पे जैसा मैं ऑफिस वालों के लिए टीपीपी लेता रहता हूँ, उतने में 7 स्टार से जो गोली फड़फड़ाता है साला ये आत्मनिर्भर इंसान। बेचारे ने बहुत देर टीपीपी लिया, सोचा कि नॉक एंड फिनिश करके ही छोड़ूंगा, बट नहीं, इसका मिशन इम्पॉसिबल ही रह जाता है। देखने तो यहाँ पे इस स्ट्रीम का काफी बहुत लाइन 1000 IQ वाला प्लान होता है कि यहाँ से 7 स्टार से पीछे से निकल के डायरेक्टली हम गाड़ी पकड़ देख के चू चू ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टॉप द सेफ जोन करेंगे। अबे जितना माहितीच नाही आम्हाला। तो मैं यहाँ पे पूरे ओवर कॉन्फिडेंट के साथ 2 किल सिक्योर करने आ ही जाता हूँ कि मेरा टीममेट बोलता है यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऊपर जा ऊपर। इसके गलत कॉल की वजह से अब ये मेरी पूरी पेटी रेडी बनने को तैयार ही है। तो यहाँ अगर पेटी बनती तो ना ये वीडियो बनता, ना ये वीडियो मैं अपलोड कर पाता। तो खैर, पता नहीं स्किल बोलूँ या नसीब बोलूँ, नहीं नहीं मैंने दोनों ही प्रॉब्लम असली कोई है नहीं मेरा। डॉग रहता अब थे। उतने में उनको वाइप करके हम आ जाते हैं हमारी गाड़ी लेके रिटर्न जाने। तो यहाँ पे वो ही ऑफिस वाले बंदे हम पे रश करने का सोच। तो मैंने मेरे सीधा टीममेट को एक ही कॉल दिया, निकलो पहली फुर्सत में, क्योंकि हमारे पास घंटा कुछ लूट था। तो जोन भी आने वाला होता है और लूट के रीजंस की वजह से बहाना तो देना ही पड़ेगा ब्रिज क्रॉस करने के लिए। तो जैसे मैं ब्रिज के उस पार जाता हूँ चेक करने की कोई और स्क्वाड नहीं है, तब तक यहाँ पे मेरा टीममेट इन तीनों को ठिला जाते हैं। कोई नहीं, ब्रिज के इस पार आ जाते हैं तो क्लियर रहता है, मेरे को मिलती है फ्लेयर। पता नहीं क्यों हर बार मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे पे फ्लेयर है, और मैं पता नहीं खुद की फ्लेयर एनिमी को चलाने दे देता हूँ ऐसा ही, बट इस बार लक्की था कि खुद ही चलाया। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सस्पेंस नहीं रखूँगा, देखना मुझे किस इंसान का नोटिफिकेशन आता है। तो ये आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। अब ये नोटिफिकेशन देख के आप पता ही लगा सकते हो कि मेरी लाइकी क्या है, किस नेटवर्क पे मैं खेल रहा हूँ, वो भी 100% एग्जॉस्टेड हो चुका है। पर यहाँ फिर भी मैं गेम कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी नेटवर्क पे, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे भी उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, काया में जो भी है मेरे को कमेंट में बताना, मेरा हिंदी वगैरह इतना कुछ खास नहीं है। खैर, यहाँ पे आ जाता है एक स्क्वाड जो कि फ्लेयर की लालच में और हमारे किल के लालच में आ गया है। ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा टीममेट बोलता है रश करना है तो कर, क्योंकि हो चुके हैं 2 नॉक। तो मैं बोलता हूँ सीधा गाड़ी पकड़ और अंधाधुंधी रश ही कर। तो यार पता नहीं यहाँ पे मेरे को एकदम सेक्सी वाला आइडिया क्यों आता है नेड करने का, और दिल में से कौन सी उत्पन्न हो जाती है ऊर्जा जो मैं यहाँ पे नेड करता हूँ और नेड से फट भी जाते हैं। और तो और मैं अगर पूरे कैलकुलेशन के साथ पूरे मैथ्स लगा के भी अगर नेड फेंकूंगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बीजगणित, भूमि, जो भी सब्जेक्ट है, लेकिन तब भी एनिमी के मुंह पे नेट फेंकने के बावजूद फटेगा नहीं। और आग बन करके अगर मैं हवा में भी नेट फेंकूँ तो वह एनिमी पे फूटना ही फूटना है। एटेक्स क्यों उठा दिया फिर? एटेक्स तो दे, एटेक्स क्यों उठा? मेरे तो यहाँ पे ये इनको मान मारने के मैंने बाद मिल जाती है एकदम इनफ वाली लूट, और बैग वैग जो भी है वेश भी सब भर भर के, जो भी अच्छा लगे, गंदा बुरा जो भी अच्छा लूट है सब भर लिया है। पता नहीं क्या क्या भरा है, फिर भी लूट कम पड़ रही है। और यहाँ पे बूस्ट उश मार के पूरी तैयारी के साथ अटैक करने निकलते हैं एक सामने हुआ हुआ फ्लेयर ड्रॉप पे, जहाँ पे दो ऑलरेडी स्क्वाड फाइट ले रहे। और यार यहाँ भाई लोग, मेरा एक सिंपल सा रूल है यार कि मेरे को ताज़ा एयर ड्रॉप लूटने में बहुत मज़ा आता है, बासी में कभी नहीं लूट रहा एयर ड्रॉप, क्योंकि ताज़ा लूटने में जो मज़ा है ना वो कोई और ड्रॉप में नहीं है। जब तक वो कान में आवाज़ नहीं आ जाता है वो सामान खींचने का खुर 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 खुर,
तब तक एयर ड्रॉप लूटे बिना मज़ा आता ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा ताज़ा एयर ड्रॉप लेता हूँ और आपको भी रिकमेंडेड करता हूँ। और उसके अलावा वहाँ पे ऑलरेडी उसी ड्रॉप पे दो स्क्वाड ऑलरेडी लड़ रहे, तो यहाँ पे किल बटोर का मज़ा ही कुछ अलग रहेगा। और यार पता नहीं यार मैं कैसे नॉक कर लेता हूँ, यार पता नहीं यार अंदाजा मार लेता हूँ और नॉक हो जाते हैं एनिमी। मैंने और यहाँ पे किलर ने मिलके दो नॉक किए, तो टाइम है यहाँ पे रश करने का, क्योंकि किल भी बटोर ने और जोन भी आने वाला है। और तो और ये पबजी से मिली हुई पैसों से गाड़ी से मैं निकलता हूँ सीधा अकेला ही रश करने, तो देखना क्या सीन होते हैं। माजो नॉक से किल नहीं आला रे, तो यार यहाँ पे मैं खुद हैरान हो चुका हूँ कि मुझे चारों के चारों किल कैसे मिलते हैं, और एनी ने मुझे इतना बढ़िया तरीके से कॉपरेट करते हैं कि ना ही मुझे किसी ने डैमेज दिया, ना ही किसी ने मुझे नॉक किया, और सीधा परमिशन दे दी उन लोगों की पेटी बनाने और सीधा लॉबी भेजने। और तो और यहाँ पे जोन भाई साहब शुरू हो चुके हैं, तो मैं मेरे दोनों टीममेट को कहता हूँ चलो फटाक से निकलते, और चौथे को कहता हूँ तू तू तेरा देख ले, क्योंकि यहाँ से जोन से पंगे ले लिए, जोन के बाहर नॉक हो गए तो ना ही आपका टीममेट आपको बचा सकता है और ना ही आप खुद बच सकते हो, तो यहाँ पे आप खुद की बर्बादी देखते रह जाओगे और जोन का कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे, और जोन कब आपका उखाड़ ले आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग हिल हुल करके आ जाते हैं इस डबल स्टोरी में होल्ड करने, और मुझे पता नहीं क्यों फिर से गट फीलिंग हो रही है कि अगले दो या तीन जोन यहीं लगने वाले हैं, तो हम यहीं से लड़ेंगे, क्योंकि मेरा नेट भी थोड़ा इशू दे रहा है और मैं मार भी नहीं पाऊँगा। खैर बहाना तो देना पड़ेगा, और यहाँ देखना कि मेरी भविष्यवाणी सच हो ही जाती है। तो खैर यहाँ पे मेरा टीममेट बार बार एक चीज़ बोला जाता है कि जोन चल जोन चल जोन चल, लेकिन नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली भविष्यवाणी के हिसाब से जोन यही लगता है, और यहाँ पे मेरी इस रीज़न की वजह से मेरी छाती दो तीन गुना और चौड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरे टीममेट के सामने मेरी इज्जत और दो या तीन गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पता नहीं इस कंपाउंड से इस बंदे में इतना क्या एक्साइटमेंट आया है कि ज़बरदस्ती फड़फड़ा रहा है मुझे मारने के लिए, और मैं यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा हूँ। तो खैर यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस जोन का इंतज़ार करेंगे। पता नहीं यार ये बोल्ट एक्शन में क्या ऐसी चीज़ है यार कार 98 में, कि मैं कभी यूज़ करता हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा होती नहीं है, खाली मैं नॉक करता हूँ मेरे किल कंफर्म होते नहीं है, बट यहाँ पे यार किलर के किल कंफर्म हो चुके, और तो और उसने कुछ फ्री किल्स भी उठाए हैं जो ऊपर में नॉक पड़े थे, तो यार मज़े ही मज़े बोल्ट एक्शन वालों के। Enemies ahead. Enemies ahead. Gaadi lenge wo. Ye to dikha do. Enemies ahead. Ye dekh ye kitne do bande hain inke peeche ped ke paas. के पेड़ के पास दो बंदे। तो जैसा हम लोग ओपोनेंट्स पे ध्यान दे रहे होते हैं, उस कंपाउंड पे फाइट ले रहे, उतने टाइम पे दो प्लेयर सीधा हम पर बग्गी लेके रश करते। पता नहीं यार हमको इतने नूब समझ रहे थे या वो खुद नूब थे, और पता नहीं यार इतना ये लोग में धीटनेस कहाँ से आ जाता है, कहाँ से लाते इतना यार ये हिम्मत जुटा के कि सीधा चारों पे रश कर देते और सोचते ही नहीं है, तो इनकी पेटी बनना डेफिनेटली है। तो इनको मारने के बाद जो सीन होता है वो आप ही खुद देखना। तो जैसा हम लोगों ने वो दो टीओ को वाइप किया, उतनी देर में ये लोगों ने सीधा प्लान बनाया थर्ड पार्टी करने का, सोचा डायरेक्टली हो सकता है वो लोग के नॉक हो स्क्वाड के, तो हम सीधा रश करेंगे, चिकन ऊपर निकालेंगे, किलूल निकालेंगे, लेकिन नहीं, सीधा हम लोगों ने उनको लॉबी में भेज दिया पेटी ओटी बना के, और ये गेम में भी हमने चिकन लिया। और तो और मेरी सस्ती वाली कम्युनिटी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पे मेरा नेट चला जाता है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन वेट मैं आपको करियर में जाके मैं दिखाऊंगा ये गेम का 40 किल्स। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।